देखो स्टार्ट किया था हम लोगों ने, किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स किया था। उसमें हमने देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन कैसे करवाती है, ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, ब्रेन के तीन पार्ट के फंक्शंस क्या होते हैं। फिर हमने कहा इसके अलावा हमारे पास नर्व्स होती है, सारी अलग अलग तरह की नर्व्स होती है, हम लोगों ने क्रेनियल स्पाइनल मोटर सेंसरी रिले ठीक है। इसके बाद हम लोग ने देखा था क्या कि अलग अलग बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, कौन कौन सा ग्लैंड कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है और कौन कौन से हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है ठीक है। अब हमारी स्टोरी क्या हो गई, एनिमल वाली कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हम लोग कहाँ पे आए हैं, प्लांट्स पे आए हैं, कहाँ पे आए हैं, प्लांट्स पे। ओके जब हम लोग किसकी बात करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं, तो एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना पहला पॉइंट क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे होता है, स्लो होता है, यानी कि जो प्लांट के रिस्पॉन्सेज रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्लो रहते हैं। इन कंपैरिजन टू दिस जो एनिमल्स में रिस्पॉन्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। दूसरी बात, प्लांट के अंदर जो रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ग्रोथ और दूसरा मूवमेंट। यानी कि प्लांट क्या करेगा, अगर उसको कोई स्टिमुलस दिखेगा भी तो वो तो यहाँ उसकी तरफ ग्रो करेगा या उससे दूर ग्रो करेगा, या फिर उसकी तरफ मूव करेगा या फिर उससे दूर मूव करेगा या मूव करेगा, उठ के चल के भाग नहीं सकता पौधा ठीक है ना, कि आग लग रही में भाग गया। लेकिन एनिमल्स जो रहते हैं वो वाइड वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेस क्या करते हैं, शो करते हैं। आ रही बात समझ में, यानी कि हमारे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, मुंह में पानी आना ये अलग तरीका का रिस्पॉन्स है ना, मैंने धुनी को मारा तो धुनी उठ के मेरे को मारेगी ठीक है, ये अलग रिस्पॉन्स है। आ रही बात समझ में, हमारा सर दुखता है हम सो जाते हैं, म्यूजिक लाउड लगता है हम कान बंद कर लेते हैं, तो हमारे जो रिस्पॉन्सेज रहते हैं वो फास्ट भी रहते हैं और उसमें बहुत वैरायटी भी होती है। प्लांट के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो प्राइमरीली किसकी हेल्प से होता है, वाटर की मूवमेंट की वजह से, और दूसरा फाइटो हॉर्मोन्स यानी कि जिनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स कहते हैं। लेकिन एनिमल्स के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से होता है, जो कौन कैरी करता है, न्यूरॉन। और एनिमल्स के अंडर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी देखता है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी देखता है, वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी देखता है। आ रही बात समझ में, तो प्लांट के यहाँ रिस्पॉन्सेस या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत सिंपल होता है, और एनिमल्स के अंदर यही चीज क्या होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। यानी कि अगर एग्जाम में हम लोग को ये क्वेश्चन आता है तो हमारे पास चार पॉइंट होंगे, प्लांट में सिंपल, एनिमल में कॉम्प्लेक्स, प्लांट के स्लो, एनिमल का फास्ट, प्लांट के केस एनिमल में फास्ट भी होता है स्लो भी होता है, दोनों होते हैं एज पर द नीड्स। प्लांट्स के केस में जो रिस्पॉन्सेज होंगे दो ही होंगे, या तो ग्रोथ होगा या तो मूवमेंट होगा, एनिमल्स के केस में क्या होगा, वाइड वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज होंगे। प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करवाता है, मूवमेंट ऑफ वाटर जिसको हम लोग टर्गर प्रेशर बोलते हैं, और सेकेंडली कौन करवाता है, फाइटो हॉर्मोन्स, फाइटो हॉर्मोन्स का मतलब होता है प्लांट हॉर्मोन्स। और एनिमल्स के अंदर हॉर्मोन्स भी रहेंगे, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी रहेगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स नर्व्स के थ्रू भी ट्रेवल करेगी ठीक है। ये तो कहानी हुई एक ठीक है। मूविंग ऑन टू सेकेंड, प्लांट के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि हम लोगों ने बोला कि मूवमेंट्स के थ्रू होता है, तो प्लांट्स के अंदर दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, एक होते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट्स और एक होते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। जो ट्रॉफिक मूवमेंट्स होते हैं वो डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट्स, मतलब या तो वो टूवर्ड्स द स्टिमुलस रहेंगे या फिर वो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस रहेंगे, यानी कि जो प्लांट होगा या तो स्टिमुलस की तरफ जाएगा या तो स्टिमुलस से दूर जाएगा। तो इस तरह के जो मूवमेंट है जो या तो स्टिमुलस की तरफ होते हैं या स्टिमुलस से दूर होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। अगर वो टूवर्ड्स द स्टिमुलस होता है, अगर वो टूवर्ड्स द स्टिमुलस होता है तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जियो पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट है, और अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट है। क्लियर है क्या? लेकिन कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो होते कहीं हैं, मतलब स्टिमुलस कुछ तो भी रहता है और उसका रिस्पॉन्स भी किसी भी डायरेक्शन में होता है, जैसे टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट्स की जो पानी रहती है, वो जो लीव्स रहती है, जब उनको हम लोग क्या करते हैं, टच करते हैं, तो वो फोल्ड हो जाती है ठीक है ना। तो वो इस वजह से नहीं होता है, ना किसी हॉर्मोन की वजह से होता है, ना ही किसी और चीज की वजह से होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है पानी के मूवमेंट की तरफ वजह से। कि पानी को जब हम लोग टच मी नॉट को हाथ लगाते हैं तो सेल्स के अंदर पानी क्या होता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अगर बढ़ जाएगा तो सेल्स फूल जाए, सेल जो है वो स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे,
या फिर कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट रहता है ये किसकी वजह से होता है, वाटर के मूवमेंट की वजह से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। तो अगर तुमसे ट्रॉफिक और नास्टिक मूवमेंट में डिफरेंस पूछा जाता है तो हम लोग बोलेंगे ये डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट्स, और जो नास्टिक मूवमेंट्स रहते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ट्रॉफिक मूवमेंट्स जो रहते हैं ये हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं, नास्टिक मूवमेंट्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के मूवमेंट की अमाउंट ऑफ वाटर जो चेंज होता है उसकी वजह से होते हैं। ट्रॉफिक मूवमेंट्स जो रहते हैं वो ग्रोथ के फॉर्म में होते हैं या मूवमेंट के फॉर्म में होते हैं, और ये जो रहते हैं ये जनरली मूवमेंट के फॉर्म में ही होते हैं। इज दैट क्लियर? अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, हमें यहाँ दो मेजर चीजें पढ़नी है। पहले पढ़ने हैं मूवमेंट्स, दैट इज फोटोट्रॉफिक, जियोट्रॉफिक, हाइड्रोट्रॉफिक, ये सारी कहानी, ठीक है ना। और इन सबको हम लोग एक बार शांति से समझते हैं, और इसके साथ में हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। क्लियर है? ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहली चीज जो हम लोग को पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, फोटोट्रॉपिज्म। क्या पढ़ना है? फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, ठीक है ना। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हम लोगों ने क्या करा, एक पॉटेड प्लांट लिया। पॉटेड प्लांट मतलब होता है गमला, ठीक है ना। अब ये जो हम लोगों ने गमला लिया इसको हम लोगों ने क्या करा, एक बॉक्स के अंदर रख दिया। काहे में रख दिया, एक बॉक्स के अंदर रख दिया, ठीक है ना। लेकिन वो बॉक्स कुछ इस तरीके से था, ये क्या है हमारा बॉक्स बॉक्स है। अब ये जो बॉक्स है ना वो कुछ ऐसे था कि इधर पे से हम लोगों ने थोड़ा सा ओपन रखा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे से ओपन क्यों रखा था इस बॉक्स को, सो दैट यहाँ से इस बॉक्स के अंदर क्या आ जाए, सनलाइट आ जाए। आ रही बात समझ में? तो थोड़े टाइम बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो मेरा प्लांट है ना ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, सन की तरफ ग्रो करने लग जाएगा। ऐसे सनफ्लावर हो या कोई भी फ्लावर हो, जरूरी नहीं है सनफ्लावर का प्लांट होगा तो ही ऐसे ग्रो करता, कोई भी पॉटेड प्लांट होगा तो वो इवेंचुअली क्या करेगा, सन की तरफ अपना डायरेक्शन मूव कर लेगा। तुमको अगर ये खेल घर पे करके देखना हो, जिसके घर पे वो प्लांट्स होते हैं उसको अंधेरे रूम में रखना और खिड़की की तरफ रख देना, तो इवेंचुअली तुमने को क्या, ऑटोमेटिकली जो प्लांट है ना वो बाहर की तरफ ग्रो होने लग जाएगा, जो उसका स्टेम होता है। तो इससे हमको पता चल जाएगा, तो प्लांट का जो स्टेम होता है या जो शूट टिप होती है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। क्या होती है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होने का मतलब होता है कि टुवर्ड सनलाइट हो गई। और हम लोग जो रूट्स की बात करते हैं तो जो हमारी रूट्स होती है वो क्या होती है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, यानी कि रूट्स हमेशा कोशिश करती है कि वो क्या करे, सनलाइट से दूर उगे, सनलाइट की तरफ बिल्कुल भी ना ग्रो हो। क्लियर है? बट जरूरी थोड़ी है कि हर टाइम एक ही डायरेक्शन में सनलाइट। जहां सनलाइट होगी वहां प्लांट होगा। नॉर्मली हम लोग जब क्या करते हैं, बाहर पौधे उगाते हैं, हम अंधेरे में कभी पौधे उगाते ही नहीं नॉर्मली, तो हम लोग को क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म दिखता नहीं है क्योंकि हर डायरेक्शन से लाइट आती रहती है। बट अब अगर जेन्युइनली आप एक अंधेरे कमरे में प्लांट उगाओगे जिसमें एक डायरेक्शन से ही सोर्स ऑफ लाइट है, तो हमेशा स्टेम कहाँ उगेगा, टूवर्ड्स दैट ऐसा सनलाइट। क्यों होता अभी ये क्यों होता है हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेकेंड कहानी होती है जियोट्रॉपिज्म। सेकेंड कहानी क्या होती है हमारे पास, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में जियो का मतलब होता है अर्थ या ग्रेविटी, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ या फिर है? ग्रेविटी। तो तुमको कुछ नहीं करना है, फिर से एक पॉटेड प्लांट लेना है, फिर से क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है। पॉटेड प्लांट यानी कि क्या, गमला। अब ये गमले को ऐसे लेटा देना है जहां इच्छा हो, ठीक है। तो जब इस गमले को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रख देंगे, तो थोड़े टाइम बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो स्टेम है ना ये ऐसे उगने लगता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। कभी ये तो तुम कहीं पे भी कर सकते हो, अपने घर की टेरेस पे अगर गार्डन हो या घर के बाहर गार्डन हो तो ऐसे गिरा के आ जाना और थोड़े दिन उसको गिरे हुए ही रहने देना, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लांट है ना ये इस तरह से ये ऊपर ग्रो करने लगेगा, और जो ये रूट्स है ना ये ऑटोमेटिकली ऐसे नीचे की तरफ ग्रो होने लगेगी। आ रही बात समझ में? इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारा स्टेम होता है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मतलब वो अर्थ से या ग्रेविटी से दूर जाता है, और जो हमारी रूट्स होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। जो हमारी रूट्स होती है वो क्या होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये तुम कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो, तुमको 4-6 दिन में, 6 दिन में रिजल्ट दिखना
स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, घर का कोई भी गमला ऐसे लेटा के रख देना। ठीक है, नेक्स्ट होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्या होता है? हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिक हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी या फिर वाटर। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अगेन एक पॉटेड प्लांट लेना है। ठीक है, ये जो तुम्हारा पॉटेड प्लांट रहेगा, ठीक है, इस पे इधर पे से छेद कर देना और यहाँ पे पानी का एक सोर्स डाल देना। यहाँ से क्या करोगे तुम लोग, पानी का सोर्स डाल दोगे। थोड़े टाइम तुम देखो के बाद देखोगे कि ये जो रूट्स है ना, ये ऐसे स्ट्रेट ग्रो करने की बजाय सीधे कहाँ ग्रो कर रही है, इस तरफ ग्रो कर रही है। क्योंकि ये क्या होती है, रूट्स जो रहती है, जो रूट्स रहती है वो क्या रहती है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है। रूट्स क्या होती है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है ना। और लास्ट चीज जो तुम लोग को समझनी है वो है जियो, वो है कीमोट्रॉपिज्म। लास्ट चीज क्या समझनी है, कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म का फंडा क्या होता है, बहुत सिंपल सा फंडा होता है। अगर तुमको मैंने रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं पढ़ाया ना, ये जो प्लांट रहता है उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है ना, उसको हम लोग कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। जब तुम छोटे होगे तब तुम लोग ने पढ़ा होगा। तो ये जो कार्पेल या फिर पिस्टिल होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके ना तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है स्टिग्मा, ये दूसरा पार्ट होता है स्टाइल, और ये थर्ड पार्ट होता है क्या, ओवरी। अब होता क्या है, जब यहाँ पर कोई पोलन ग्रेन गिरता है, जब क्या होता है, स्टिग्मा पे कोई पोलन ग्रेन जैसे गिरता है, यहाँ पर एक पोलन ग्रेन गिरा, तो ये रहता है ओवरी। ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल। कौन रहता है, तो पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब ग्रो होने लगता है। क्या ग्रो होने लगता है, पोलन ट्यूब। किसकी तरफ ग्रो होने लगता है, ओव्यूल की तरफ या ओवरी की तरफ। तो ये जो पोलन ट्यूब होता है, ये जो क्या होता है, पोलन ट्यूब होता है, द ग्रोथ ऑफ अ पोलन ट्यूब। क्योंकि यहाँ पर कुछ केमिकल सीक्रेट हो, यहाँ पर कौन सीक्रेट होता है, कुछ केमिकल। केमिकल्स तो इस केमिकल के चक्कर में स्टिग्मा से लेके यहाँ तक क्या होगा, एक पोलन ट्यूब ग्रो होगा। तो ये केमिकल की तरफ ग्रो हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। इज दैट क्लियर। ये क्या होते हैं, हमारे चार तरीके के ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं। क्लियर है क्या? जैसे किसने मुझसे पूछा, किसने, कि वो सनलाइट की तरफ कैसे ग्रो करेगा फोटोट्रॉपिज्म में। तो हम लोगों ने बोला कि जब फोटोट्रॉपिज्म होगा ना, तब क्या होगा, लेट से यहाँ पर ये एक मेरा पौधा है, ये क्या है, मेरा एक पौधा, ये मेरा एक क्या है, प्लांट है। ठीक है ना। ठीक है, और इधर पे से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। इधर से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही सनलाइट है। थोड़ा सन को अपन ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो अगर यहां से सनलाइट आ रही है इधर पे, कहां पे, इस साइड पे। ठीक है, तो एक हार्मोन रहता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिन। क्या कहते हैं, ऑक्सिन। और ऑक्सिन जो रहता है वो डिफ्यूज होके इस तरफ आ जाता है। किस तरफ आ जाता है, इस तरफ। ठीक है, क्योंकि सनलाइट यहां से आ रही है ना, तो ऑक्सिन कहाँ आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा। किस साइड पे, अपोजिट साइड पे, मतलब शेडी पार्ट पे कौन आ जाएगा, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है, एक हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन है, ग्रोथ प्रमोटर। कैसा हार्मोन है, ग्रोथ प्रमोटर, यानी कि ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। जब ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, तो ये वाला साइड प्लांट का उगने लग जाएगा। यानी कि समझ लो, अगर यहाँ पर ये ग्रोथ प्रमोट करने लगेगा, तो ये जो साइड है ना प्लांट का, ये ग्रो होगा, ये ग्रो नहीं होगा, ये भी ग्रो नहीं होगा। कौन ग्रो होगा, ये जहां पे ऑक्सिन है, तो ये ग्रो होके जाएगा कहाँ, तो ये थोड़ा सा प्लांट का शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा। क्योंकि यहां से ग्रोथ हो नहीं रही है, यहां से ग्रोथ हो नहीं रही है, ग्रोथ कहाँ पे हो रही है, येलो वाले पार्ट में, येलो वाले पार्ट में होगी ग्रोथ। तो ये ऐसा क्या हो जाएगा, इस तरीके से बेंट हो जाएगा, तो इवेंचुअली मुझे प्लांट ऐसा दिखने लगेगा कि ये सनलाइट की तरफ ग्रो हो रहा है। सिमिलरली अगर समझो, ये है एक प्लांट, ये एक ब्रांच ऑफ ट्री है, ये क्या है, एक ब्रांच ऑफ ट्री है। अब यहाँ पर एक पौधे का टेंड्रिल स्ट्राइक हुआ, टेंड्रिल समझते हो,
जो क्लाइंबर्स रहते हैं ना वो खुद से खड़े नहीं हो पाते, तो उनके ऊपर क्या होता है एक तरह का स्पाइरल, ये ऐसे कॉइल बना लेते हैं इस तरीके से ब्रांच पे। ठीक है, तुम लोग अगर ग्रेप वाइंस वगैरह देखोगे तो तुमको ऐसे जिगजैग टाइप के वो दिखेंगे क्या, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो जिगजैग रहते हैं ना इसकी हेल्प से ये क्या करता है खुद को ब्रांच पे या किसी कॉइल ऐसे कॉइल बना के क्या करता है सपोर्ट देता है प्लांट। ठीक है ना, तो क्या होता है सेम केस यहाँ पे होता है, जैसे ही मेरा प्लांट जो है वो ब्रांच को डिटेक्ट कर लेगा, ये मेरा प्लांट है ये एक ब्रांच डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इसने क्या करी ब्रांच डिटेक्ट करी, तो क्या होगा यहाँ पर जो ऑक्सीजन है जो कहाँ नॉर्मली कहाँ होता है टिप पे होता है, कहाँ पे होता है टिप पे, ये ऑक्सीजन कहाँ मूव कर जाएगा इधर, और ये यहाँ ग्रोथ प्रमोट करेगा, क्या करेगा यहाँ ग्रोथ प्रमोट करेगा, जिस चक्कर में ये चीज इस तरीके से क्या हो जाएगी फोल्ड हो जाएगी, फिर ये यहाँ ठीक है ये फोल्ड हो जाएगी, फिर ऐसे करते 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 ये पूरा ऐसा ग्रो इस तरीके से कर जाएगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं इधर पे, पहला हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ, हाउ डू ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या है हार्मोन है, तो हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ, ये क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर वन। या फिर ऑक्सिन की हेल्प से प्लांट फोटोट्रोपिज्म कैसे शो करता है या सनलाइट की तरफ कैसे ग्रो करता है, ये वाला क्वेश्चन आता है। या फिर टेंड्रिल जो रहता है वो जब किसी सपोर्ट के अराउंड ग्रो करता है, टेंड्रिल जो रहता है जब किसी सपोर्ट के अराउंड ग्रो करता है तो वो कैसे ग्रो करता है। तो हमको ये जो तुम लोग को आंसर एक्सप्लेन किया कि जैसे ही वो क्या करेगा सपोर्ट डिटेक्ट करेगा या सनलाइट डिटेक्ट करेगा तो वो अपोजिट साइड पर डिफ्यूज हो जाएगा, यानी कि सपोर्ट से दूर और सनलाइट की जगह वो कहाँ चला जाएगा शेडी पार्ट पे चला जाएगा और वहां ग्रोथ प्रमोट करेगा, जिस वजह से हमें लगेगा कि प्लांट क्या कर रहा है सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहा है या फिर उसके अराउंड ग्रो कर रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके अलावा क्या फंक्शन होते हैं ऑक्सिन की, देखो ऑक्सिन गिबरेलिन साइटोकाइनिन ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है ये प्लांट में ग्रोथ बढ़ाएंगे, ये क्या करेंगे प्लांट में ग्रोथ बढ़ाएंगे। क्लियर है? ठीक है, सेल एलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन, सेल डिविजन, फ्लावरिंग, फ्रूट्स बनाने के काम आते हैं, पत्तियों को गिरने नहीं देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है सेल को लंबा करना, रूट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन और फ्लावरिंग। ठीक है ना, सीडलेस फ्रूट डेवलप करने में काम आती है, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ पत्तों को गिरने से बचाती है। ठीक है, गिबरलेस जो रहते हैं जेनेटिक ड्वार्फिज्म ब्रेक करते हैं, मतलब प्लांट की जो हाइट रहती है वो छोटी रहती है तो वो क्या करते हैं उसको छोटा नहीं रहने देते, शूट को इलोंगेट करवाते हैं, फ्लावरिंग प्रमोट करते हैं। अब जी गिबरलेंस क्या करते हैं जेनेटिक ड्वार्फिज्म को कम करते हैं, शूट एलोंगेशन प्रमोट करते हैं, फ्लावरिंग क्या करते हैं प्रमोट करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा गिबरलेंस कहाँ मिलते हैं याद रखना, फ्रूट्स और सीड्स में। साइटोकाइनिन में साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन मतलब होता है डिवीजन, तो इसका प्राइमरी काम क्या रहता है सेल डिवीजन, प्राइमरी काम क्या रहता है सेल डिवीजन। ठीक है ना, ये बड्स की डेवलपमेंट करते हैं, मतलब प्लांट में क्या करते हैं ब्रांचिंग प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं प्लांट्स में ब्रांचिंग प्रमोट करते हैं। ठीक है, एजिंग डिलेज करते हैं, लीव्स को बूढ़ा होने नहीं देते, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा क्या करते हैं प्रमोट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो पाए। ठीक है, अब जो पहले तीन थे ये तीनों क्या थे ग्रोथ प्रमोटर्स थे, क्या थे ग्रोथ प्रमोटर्स। अब एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये दो हॉर्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स मतलब प्लांट की ग्रोथ रोकते हैं। ठीक है ना, तो ये सीड्स के अंदर डोरमेंसी, सीड्स ट्यूबर्स बल्ब सबके अंदर डोरमेंसी, डोरमेंसी मतलब क्या होता है स्लीपिंग फेज, कि पौधा सो रहा है सोता रहेगा कब तक, ये जबरदस्ती प्लांट को सुला के रखते हैं तब तक जब तक एक्सटर्नल एनवायरमेंट उसके लिए ग्रोथ के लिए क्या नहीं है फेवरेबल नहीं है। बाकी ऊपर वाले ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रमोट करते हैं, ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रमोट करता है। ऊपर बोला था एजिंग इन लीव्स को डिले करते हैं कि लीव्स बूढ़ी ना हो, और ये लीव्स को क्या करते हैं गिरा देते हैं कि गिरो, आ रही बात समझ में। इथाइलिन क्या करता है फ्रूट्स को जल्दी जल्दी पकाता है, एग्जाम में आता है कि जो लोग रहते हैं जो जिनको जल्दी पकाना होता है वो कौन सा हार्मोन आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं, तो कौन सा होता है इथाइलिन होता है, आ रही बात समझ में। ठीक है बोलो कोई परेशानी। सीड्स को सोने देते हैं, कॉजेस फॉल ऑफ फ्लावर्स लीव्स एंड फ्रूट्स, इज दैट क्लियर?